एनिमल मूवी के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, रणवीर कपूर की बहुत ही जबरदस्त मूवी आने वाली है एनिमल, एंड उसकी जो एक्शन है वो भाई सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि उसका टीजर आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही जबरदस्त टीजर है। थोड़ा सा हटके टीजर लॉन्च किया गया है, उसके अंदर जो बेसिक चीजें उनको बहुत ही ध्यान रखा गया है। 1 दिसंबर 2023 को ये पिक्चर रिलीज होगी, तो मतलब इस साल की सबसे अच्छी मूवी हो सकती है, क्योंकि इस साल पठान ने 1000 करोड़ कमाए थे, लेकिन हो सकता है एनिमल ने 2000 करोड़ कमा ले, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि रणवीर कपूर का अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सुपर हिट है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहने वाला प्रोजेक्ट है। रणवीर कपूर के साथ साथ हमें रश्मिका मंदाना भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, साथ में बॉबी देओल और अनिल कपूर की जोड़ी भी इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है ये विलन के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट हो, क्योंकि आपको पता है अनिल कपूर का जो विलन का कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत सभी लोगों को अच्छा लगता है। प्रिंस चोपड़ा एंड सौरभ शुक्ला भी हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। सौरभ शुक्ला की अगर बात करें तो उनकी जो विलन के कैरेक्टर है वो भाई सभी बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि वो विलन के साइड कैरेक्टर करते हैं, एंड उनका जो जितना भी साइड कैरेक्टर है वो भाई बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। जैसे हमने नायक मूवी के अंदर देखा था, उनका जो सीएम के साथ में जो साइड कैरेक्टर था वो भाई बहुत ही जबरदस्त फेमस हुआ था। सौरभ शुक्ला बेसिकली इस मूवी के अंदर हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हो सकता है बॉबी देओल का नेगेटिव कैरेक्टर है, एंड हमें पहली बार बॉबी देओल का नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अनिल कपूर का तो पक्का नेगेटिव ही होगा, क्योंकि यार वो बनता तो मतलब विलन के कैरेक्टर में सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है बॉबी देओल उनका साथ दे विलन के अंदर, एंड भाई मूवी भाई बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि यार एनिमल के प्री टीजर से हमें सब कुछ पता चल जाता है। इस मूवी को डायरेक्ट करिए संदीप रेंडीवांगा, एंड भाई संदीप रेंडीवांगा की अगर आपने मूवीज नहीं देखी तो आपने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि आपने कबीर सिंह मूवी तो जरूर देखी होगी। कबीर सिंह को संदीप रेंडीवांगा ने ही डायरेक्ट किया था। अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा, स्प्रिट जिसे सुपर हिट मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया, तो यार डायरेक्टर में कोई कमी नहीं है, तो हो सकता है हमें एनिमल मूवी पक्का 1000 करोड़ के समथिंग पार करने वाली मूवी दिखा देगी। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार मूवी कैसी हो सकती है। एनिमल मूवी का जो सस्पेंस है वो भाई बहुत ही जबरदस्त हो रखा है। हमारे जो रणवीर कपूर है उनकी जो फिलहाल में आई थी ब्रह्मास्त्र मूवी बहुत ही बुरी तरीके से पिटी थी, उसके साथ साथ में शमशेरा मूवी आई थी, वो दोनों पिक्चर बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो यह हो सकता है इस मूवी से उनका जो बहुत केमी है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यार इस मूवी से उनकी आस बनी हुई है, हम सबकी आस बनी हुई है कि ये मूवी शायद सुपरहिट होगी। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार क्या ये मूवी सुपरहिट होगी। मेरे को लगता है यार सुपरहिट हो सकती है, एंड इस मूवी के अंदर हमें जो रणवीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो भाई कोई लव सब वगैरह का होगा, जिसमें रश्मिका मंदाना का जो ब्रेकअप वगैरह हो चुका है एंड वही सब होगा, तो हो सकता है ये मूवी बहुत ही सुपरहिट हो। एंड देखते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।